बीजेपी से भिलाई नगर विधानसभा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भिलाई के छावनी बस्ती पहुंचे। उन्होंने छावनी बस्ती में एक आम सभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को अब कुछ दिन शेष बचे हैं। अब प्रत्याशी जीत और मेहनत कर रहे हैं। कई दिग्गज नेता सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छावनी बस्ती पहुंचे। उन्होंने वहां एक आम सभा को संबोधित किया। भिलाई नगर के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में जनता से वोट अपील की। उन्होंने संबोधन में कहा कि ये 5 साल में छत्तीसगढ़ नशा सट्टा जुआ तमाम अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। दुर्ग जिले का तो विदेश तक में नाम पहुंच चुका है। अब दुर्ग जिला महादेव ऐप के नाम से जाना जा रहा है। लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं। खुलेआम किसी को भी मार दिया जा रहा है। प्रशासनिक अमला मौन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 15 सालों में पूरे प्रदेश में विकास हुआ। IIT जैसा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान भिलाई में खुला। उन्होंने कहा, मैं छावनी में आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग प्रेम प्रकाश पांडे को जिताओ और भिलाई सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाओ। भाजपा की सरकार बनते ही एक बार फिर विकास होगा, फिर से आगे बढ़ेगा हमारा छत्तीसगढ़। वहीं रमन सिंह ने कहा कि हमने 15 वर्षों तक प्रदेश में काम किया। आज भी लोग हमें चाउर वाले बाबा, पांडे जी को पानी वाले बाबा कहते हैं। लेकिन कांग्रेस राज्य के 5 सालों में भूपेश बघेल दारू वाले कक्का के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। इन लोगों में कोरोना काल में दवाई भले न पहुंचाई गई हो, लेकिन घर घर दारू जरूर पहुंचाई गई है। इन लोगों ने भिलाई के वातावरण, शांति और भाईचारे को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भिलाई का नाम पूरे प्रदेश और देश भर में सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान अपराध के गढ़ के रूप में हो गई है, जहां महादेव के नाम पर सट्टा चलाया जा रहा है। वहीं भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि हम छत्तीसगढ़ को फिर से संवारेंगे और प्रेम प्रकाश ये गारंटी देता है, भिलाई को फिर से उसकी खोई पहचान वापस दिलाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को बस्तर से सरगुजा, भिलाई छावनी और अभी महासमुंद से आ रहा हूँ। प्रथम चरण के चुनाव में क्योंकि मैं भी प्रत्याशी था और राजनांदगांव विधानसभा से विधायक के नाते मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो 20 विधानसभा के चुनाव प्रथम चरण में हुए, उस 20 विधानसभा का जो घूमने के बाद और मतदान के बाद जो रिपोर्ट मिला है, भारतीय जनता पार्टी 20 में से कम 14 सीट पर जीतने जा रही है। यानी जीत की शुरुआत हो चुकी है प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में जो वातावरण प्रथम चरण में बना था वो माहौल अब अंडर करंट इतना तेजी से चल रहा है, सरगुजा हो, बिलासपुर हो या ये महासमुंद इलाके में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त जनमत है और लोगों का, युवकों का, महिलाओं का जबरदस्त रुझान है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका किसी को रह नहीं गया। भूपेश बघेल के वादे को कौन भरोसा करता है? 500 रुपया 2018 में माताओं के लिए देने के लिए उसने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, वो 30,000 रुपया तो बकाया भी महिलाओं का है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय योजना से घबरा के और सर्वे रिपोर्ट को देख के घबराहट में 12,000 से 15,000 कर दिया, मगर भूपेश लगातार झूठ बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता उसके बात पे भरोसा नहीं कर रही। फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भर भी गए हैं और फॉर्म में जनता का समर्थन भी है। जो आएगा नोटिस उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। CM साहब जहाँ जहाँ ईगो बनाते हैं वहाँ पिट जाते हैं। राजनांदगांव में 4 दिन डेरा डाल के बैठे थे, सबसे बुरा हालत तो राजनांदगांव में हो गया। तो जहाँ जहाँ वो जाता है, यहाँ भी यदि CM ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ यहाँ के प्रत्याशी जी का देवेंद्र जी का बंठाधार होने वाला है। वो दोनों गुरु चेला हैं। महादेव ऐप में, जुआ में, सट्टा में, अपराध में दोनों की भागीदारी है, खुला खुला भागीदारी है। और ये जितने प्रकरण बन रहे हैं, जितने ED के मामले बन रहे हैं, दोनों संलिप्त हैं, इसलिए एक दूसरे को डूबने से बचाने में लगे हैं। आटन में शानदार स्थिति है और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पाटन का रिजल्ट चमत्कारिक आने वाला है। विजय बघेल की स्पष्ट बढ़त है और वो सीट हम जीतने वाले हैं। 70 के बाद 2/3 हमारी बहुमत आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ हम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।